लोगों के सामने इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक और वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज का इस वीडियो जो है वो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो ग्रुप सेपरेशन हम लोग करते हैं उसमें अगर आपको सेकेंड ग्रुप का प्रेजेंस मिलता है, यानी कि देयर इज अ सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव मिक्सचर, अगर समूह दो हाजिर होता है तो उसमें रेयर एलिमेंट्स जो है वो रेयर एलिमेंट्स ज़्यादातर मोलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। तो मोलिब्डेनम जो है ये सेकेंड ग्रुप में अगर आपको दिया गया है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें हम, तो इसके बारे में आज बहुत अच्छा एक वीडियो लेके मैं आपके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिकल का ये ग्रुप सेपरेशन का वीडियो ऑन सिटी टेस्ट ऑफ मॉलिब्डेनम। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपने इनऑर्गेनिक मिक्सचर एक पोर्सेलेन डिश में लिया, उसमें एक्वारिजिया ऐड किया और इवोपरेटिव ड्राइनेस के लिए आपने बर्नर के ऊपर उसको रखा है, फिर आधे घंटे के बाद इवोपरेटिव ड्राइनेस हो जाने के बाद बाष्प वाट की जो है पोर्सेलेन डिश उसको नीचे एस्बेस्टोस की प्लेट के ऊपर आपको रखना है और उसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर डालना है। फिर डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद अगर उसमें कोई रेसिड्यू बचता है जब फिल्टर करोगे तो रेसिड्यू में जो अगर आपको प्रेसिपिटेट्स की प्रेजेंस मालूम होती है तो आपको समझना चाहिए कि आपको यू आर गिवन द सेकेंड ग्रुप इन फॉर्म ऑफ द सिंपल पॉजिटिव रेडिकल्स और रेयर एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। अगर रेयर एलिमेंट है तो उसमें मॉलिब्डेनम हो सकता है, ठीक है, मॉलिब्डेनम के साथ टिटानियम वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि मॉलिब्डेनम के लिए मुझे टेस्ट करना है तो सबसे आप पहले MO यानी कि मॉलिब्डेनम जो है उसका आप कन्फर्मेटिव टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने सेकेंड ग्रुप का जो सॉल्यूशन था उसको फिल्ट्रेट किया तो फिल्टर के पेपर के ऊपर जो रेसिड्यू है PPTS के रूप में, इसको हम फिर से कंसंट्रेटेड HCl में बॉइल करेंगे और उसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन बनाएंगे और ये सॉल्यूशन जो हमारा है टेस्ट सॉल्यूशन, उसमें हम कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ मॉलिब्डेनम इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड ग्रुप में मॉलिब्डेनम फॉर्म्स कंपाउंड विथ ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +4, +5, and +6। तो देर आर वेरियस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मॉलिब्डेनम इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्साइड के रूप में जब आपको दिया जाता है तो उसकी वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से होती है। तो सेकेंड ग्रुप के जो प्रेसिपिटेट्स है उसको हम डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेट HCl में फिर से इवोपरेट करके, जिसको हम टेस्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सबसे पहला आज का जो मैं टेस्ट आपको कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ MO बताने जा रहा हूँ, उसमें से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आधा सॉल्यूशन लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, तो डाइल्यूट HCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स और येलो प्रेसिपिटेट्स हमें मिलते हैं जो कि मिनरल एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है, साइट्रिक टार्ट्रिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड जो है उसमें वो सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइव दिखाऊंगा ये वाला टेस्ट सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, और दूसरा वाला जो टेस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा टेस्ट सॉल्यूशन लेना है और उसमें KCNS का 2 or 3 drops 10% सॉल्यूशन हमें ऐड करना है,
ठीक है, उसमें थोड़ा SnCl2 हम जैसे सैचुरेटेड SnCl2 डालेंगे, ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन बिकम्स रेड कलर। ठीक है, तो उसमें रेड कलर जो दिखाता है, ये रेड कलर वो ज़्यादा SnCl2 डालने से डिसअपीयर हो जाता है। तो ये दोनों बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे टेस्ट है, जो कि कन्फॉर्मेटिव टेस्ट हम इसको बोलेंगे। तो ये दोनों टेस्ट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ फॉर मॉलिब्डिनम एज अ रेयर एलिमेंट इन सेकेंड ग्रुप। तो दोस्तों ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पूरा आप देखोगे, ये टेस्ट सॉल्यूशन में बना रहा हूँ पोर्सलिन डिश के अंदर, कंसंट्रेट HCl और मॉलिब्डिनम का थोड़ा पाउडर लेके हम इसको इवोपरेट टू ड्राइनेस करेंगे। देख सकते हैं आप, इसी तरह से ये इवोपरेशन शुरू हो गया है और करीबन आधे घंटे तक आपको इवोपरेट करना है। उसके बाद हमें ये रेसिड्यू इस तरह से मिलेगा। ठीक है, बहुत केयरफुली आपको ये इवोपरेशन करना है। अब जो ये रेसिड्यू बचा है वो मॉलिब्डिनम का, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर में टेस्ट सॉल्यूशन के रूप में तैयार करेंगे। इस तरह से आपको इसमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है। देखिए ब्लू कलर का पूरा सॉल्यूशन मॉलिब्डिनम का हो गया। इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद हम फिल्टर करेंगे। इस तरह से आपको बहुत केयरफुली इसका टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब इसको हम फिल्टर करेंगे। जो सिंपल फिल्टर पेपर्स होते हैं उसमें हम फिल्टर करेंगे। ये जो बाकी बचा रेसिड्यू और ये जो है वो कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मॉलिब्डिनम का हाइड्रोक्साइड डिस्टिल्ड वाटर के साथ हमें मिल रहा है। दोस्तों जैसे मैंने पहले टेस्ट में आपको बताया था कि कंफर्मेटिव टेस्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लेंगे, लेकिन हमने इसका टेस्ट सॉल्यूशन कंसंट्रेट HCl में तैयार किया, तो उसमें भी थोड़े हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुए थे। बाकी बचे वो ये सॉल्यूशन में आ गए थे, उसमें हम डाइल्यूट HCl डाल के इसी तरह से वाइट प्रेसिपिटेट की प्रेजेंस हम प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप माइनर क्वांटिटी में लेंगे तो इस तरह से क्लियर वाइट PPTS ऑप्टेंट जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। सो दीज आर दी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मॉलिब्डिनम। ठीक है, और भी मैं डाइल्यूट करने जा रहा हूँ। देखिए ये क्लियर वाइट अब हमें दिखाई दे रहा है। आप ज़्यादा सॉल्यूशन मत लीजिएगा, टेस्ट सॉल्यूशन जितना कम लोगे उतना ये टेस्ट अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्लियर वाइट प्रेसिपिटेट्स, बहुत कम डाइल्यूशन वाला जो ये सॉल्यूशन, उसमें डाइल्यूट HCl के साथ हमें क्लियर वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल रहा है। तो ये जो पहले वाला कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ मॉलिब्डिनम हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। अब दोस्तों दूसरा वाला जो कन्फर्मेटिव टेस्ट था, उसमें माइनर क्वांटिटी में मैंने टेस्ट सॉल्यूशन लिया, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत माइनर क्वांटिटी मैंने ली है, उसमें हम KCNS का सॉल्यूशन डालेंगे। सो टेस्ट सॉल्यूशन प्लस KCNS। अब हम इसमें थोड़ा SnCl2 डालेंगे। सो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ SnCl2 विल गिव रेड कलरेशन। देखिए यहाँ पर रेड कलरेशन आपको मिल रहा है, जो कि क्लियर मॉलिब्डिनम की प्रेजेंस हमें प्रूव करता है। तो इस सॉल्यूशन में मॉलिब्डिनम हमें मिल रहा है।
अब जैसे जैसे हम SnCl2 का ज़्यादा सॉल्यूशन डालेंगे तो इमीडिएटली रेड कलर विल बी डिसअपीयर। आप देख सकते हैं फिर से रेड कलर डिसअपीयर होने जा रहा है, देख सकते हैं फिर से येलो हो गया, रेड कलरेशन डिसअपीयर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने दोनों टेस्ट जो कि कन्फर्मेटिव और बहुत अच्छे वेरी सिंपल टेस्ट जो आप आसानी से हमारी लेबोरेटरी में कर सकते हैं और आप अपना इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें बहुत पक्का मोलिब्डेनम का प्रेजेंस आप प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने ये जो है वो बताने का प्रयास किया है। आप अच्छी तरह से वीडियो देख के लैब में खुद प्रैक्टिस करके और भी परफेक्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये दोनों कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ मोलिब्डेनम जो कि सेकेंड ग्रुप में मोलिब्डेनम की प्रेजेंस के लिए मैंने बहुत सरल भाषा में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप इस बारे में बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर ज़रूर बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना मत भूलिए और मेरी चैनल को बहुत जल्द सब्सक्राइब करो ताकि और भी वीडियो मैं आप सबको दिखा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद।